हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ टोशीबा कंपनी की ओर से आने वाली टोशीबा कैनवा एडवांस 4 TB वाली हार्ड डिस्क। तो आप भी सोच रहे हो अच्छी सी हार्ड डिस्क परचेस करने के लिए, आपका बजट अराउंड 5000 रुपीज से लेके 7000 रुपीज के बीच में, तो ये मैंने अमेजोन से परचेस की थी 4 TB वाली 6999 में। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सेम इसी टाइप की हार्ड डिस्क, कोई 7999 का सेल कर रहा है, कोई 8999 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस की उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो इसमें 2 TB और 1 TB वाली भी अवेलेबल है। तो 2 TB वाली अराउंड आपको 4999 का पड़ेगा और 1 TB वाली अराउंड आपको 3499 की पड़ेगी। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका अनबॉक्सिंग और जैसे कि इसकी रीड और राइट स्पीड क्या है, जैसे कॉपी और पेस्ट करते हो कोई भी फाइल पर सेकंड कितना स्पीड में होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। 3.0 वाले USB में कनेक्ट करोगे या फिर 2.0 वाले USB में कनेक्ट करोगे तो कितनी स्पीड मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और जैसे कि इसके अंदर आपको बैकअप सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, पासवर्ड प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल जाएगा, तो इन्हें कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो बॉक्स के अंदर आपको एक देखने को मिल जाएगा यूज़र मैनुअल, तो इसे आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो। और साथ में एक वारंटी स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाता है, इसे आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। आप देखते हो और साथ में आता है आपको एक केबल जिसके अंदर आपको USB 2A माइक्रो USB कनेक्टर देखने को मिल जाता है। तो एक साइड में हमारा USB रहेगा, दूसरे साइड में आपको कुछ इस टाइप का कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको करीब से शो कर देता हूँ। ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है वायर की, और लेंथ की बात करें अराउंड आपको 20 सेंटीमीटर के करीब इसका लेंथ देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया केबल। अभी ये आती है हमारी हार्ड डिस्क। तो सामने की ओर आपको टोशीबा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको एक टेक्सचर देखने को मिलेगा, मैट फिनिश देखने को मिलेगा, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। बैक साइड में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि पूरा ब्लैक कलर है, ये भी हमारा मैट फिनिश है। और साइड में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अब लेंथ और विथ की बात करें, जैसे कि मैं आपको विथ मेजर करके दिखाता हूँ, 3 इंच के करीब आपको इसका विथ देखने को मिल जाएगा। और लेंथ की बात करें तो अराउंड आपको 4 इंच के करीब देखने को मिल जाएगा, और साइड में से अराउंड आपको 1 इंच के करीब देखने को मिल जाएगा। तो चलो अब मैं मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने मेरा हार्ड डिस्क को मेरे लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर लिया है, मैंने 3.0 वाले पोर्ट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ, लैपटॉप आइडिया पैड 330 है और इसके अंदर आपको USB 3.1 जेनरिक जो भी देखने को मिल जाता है। और ये 2016 का मॉडल है, तब न्यू लॉन्च हुआ था तब मैंने परचेस किया था, और अभी 2022 चल रहा है तो काफ़ी अच्छा ये लैपटॉप मेरा चल रहा है। और ये आप फॉर एग्जांपल आप मैकबुक के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इस हार्ड डिस्क को आपने पहले विंडो के लिए यूज़ किया तो आपको पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, बाद में फिर आपको मैकबुक में कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये हार्ड डिस्क कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं यूज़ करता है, जो भी आपका लैपटॉप हो गया, CPU हो गया, जिस पोर्ट में आप कनेक्ट करोगे उसका ही पावर यूज़ करेगा, तो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। सो ये देख सकते हो मेरे कंप्यूटर के अंदर आपको है ना, ये आ चुका है टोशीबा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता हूँ, इधर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर आपको कितना MB देखने को मिलेगा। तो अराउंड इन्होंने बाइट में कैलकुलेट किया हुआ है और 3.63 TB आपको देखने को मिल जाता है। और यूज स्पेस जो कि जो भी इनका सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है, जिस तरफ मेमोरी कार्ड हो गया कुछ भी चीज़ हो गया, 220 MB यूज़ हो जाता है। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो पूरा फोल्डर खाली है, कुछ भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको रीड एंड राइट की स्पीड दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये रीड एंड राइट की स्पीड में भी थोड़ा डिफरेंट है, लैपटॉप के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। ये मैंने एक गेमिंग वाले में भी चेक किया था, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी और इसके अंदर डिफरेंट आ रही थी, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलो मैं मेरे एक ड्राइव के अंदर चल जाता हूँ, इधर मेरा कुछ फाइल्स है और इधर मैं ये मैट्रिक्स वाला एक वीडियो है इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ चेक करते तो देख सकते हो जैसे कि मेरा मतलब 6 GB के अराउंड इसका ये कंप्लीट फाइल है। तो इसे मैं ले लेता हूँ साइड में, और इस साइड में मैं एक और, तो यहाँ मेरी टोशीबा की हार्ड डिस्क है और यहाँ मेरा जो कि लोकल हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल है वो वाला है। सो अभी मैं इसको इसके अंदर कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए किस तरह ये वर्क कर रहा है। सो इधर से मैं लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ। और ये टोशीबे का हार्ड डिस्क है जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर नाम है, अभी इसको मैंने इधर जो कि डाल दिया डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो आपको स्पीड देखने को मिल जाएगा 60 MBPS पर सेकेंड की
स्पीड अभी दे रहा है। और जैसे कि आपने काफ़ी सारे कंप्यूटर में देखा रहेगा 120 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps तक जाता है, तो मेरे पास गेमिंग वाला एक दूसरा लिनोवो का लैपटॉप है, वो अराउंड 70-80 thousand का 2020 का मॉडल है, तो इसके अंदर मुझे 120 MB तक का स्पीड देखने को मिल रहा है। तो इतना उसके अंदर स्पीड है। और मेरे ये वाला थोड़ा पुराना मॉडल है, पर इसके अंदर भी USB 3.0 है, पर इसके अंदर मुझे स्पीड जो कि 60-70 Mbps तक की पर सेकंड वाली स्पीड मिल रही है। तो ये कॉपी की स्पीड है। अब मैं आपको कट वाला भी बता दूंगा, और ये आप देख सकते हो 50-54 Mbps पर सेकंड की स्पीड ले रहा है, इतने स्पीड से जो कि ये ट्रांसफ़र हो। तो 6 GB जो कि कम्प्लीट ट्रांसफ़र होने में आप समझ लीजिए 1-1.5 मिनट लग गया अराउंड ट्रांसफ़र होने में। तो ये कंप्लीट मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अभी जैसे कि है ना, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। अब मैं कट करके भी आपको शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी लोकल फाइल है, मैट्रिक्स वाली ले लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। सो ये मैंने कट कर लिया, इधर न्यू फोल्डर है, इसके अंदर आता हूँ। ये टोशिबा वाला न्यू फोल्डर, टोशिबा के अंदर मैंने जो कि मेरी हार्ड डिस्क है उसके अंदर मैंने बनाया हुआ है, और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो देख सकते हो मैंने कट करके पेस्ट किया, ये मैंने इधर से मैट्रिक्स वाला कट किया है और फिर से मैंने इसके टोशिबा वाले के अंदर पेस्ट किया है। सो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कॉपी एंड कट की स्पीड सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये भी मैं पूरा कंप्लीट होने देता हूँ। सो ये देख सकते हो ये मेरे मैट्रिक्स वाली जो फाइल थी वो डायरेक्ट मेरे हार्ड डिस्क के अंदर आ चुकी है। अब मैं मेरे जो कि बैक चल जाता हूँ माय पीसी के अंदर, और इधर आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। टोशिबा वाले के अंदर जो कि पहले फ्री स्पेस था हमारा 3.63 था, अब जो कि 3.62 रिमेनिंग है, मतलब थोड़ा सा यूज़ हो चुका है जो कि हमारे ये दो फाइल आ चुके। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स वाले को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इधर से लेके मैं वापस से मैं मेरे जो कि लोकल हार्ड डिस्क मेरे लैपटॉप के अंदर है इसके अंदर मैं ड्रैग कर देता हूँ। सो अभी की स्पीड की बात करें तो आप देख सकते हो 125, 123, 110, बाद में फिर वापस से डाउन आ गई, डाउन होने के बाद में वापस से अप जा रही है। सो रीड एंड राइट है जो कि है ना, आप हार्ड डिस्क में से कुछ भी चीज़ लीजिए, कंप्यूटर में, कंप्यूटर से हार्ड डिस्क के अंदर डालिए, कुछ भी चीज़, मेरे हिसाब से स्पीड आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 60 Mbps, 50 Mbps और 70 Mbps तक। तो रीड एंड राइट स्पीड ऑलमोस्ट दोनों की पूरी सेम ही है। कभी भी आप इस हार्ड डिस्क को यूज़ कर लो, यूज़ करने के बाद में कभी भी आपको डायरेक्ट पिन नहीं निकालनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इधर जो कि आपको इजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वर्किंग रहती है, तो इसको आपको है ना इधर इजेक्ट एक्सटर्नल डिस्क लिखा रहेगा या फिर USB लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, सेफ्टी टू रिमूव होएगा, इसके बाद में फिर इस हार्ड डिस्क को निकालना है। तो जैसे आप देख सकते हो ये ब्लिंक करेगी, मतलब अब ये रिमूव हो चुकी है, अब ये ऑफ हो चुकी है। सो सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी है इस हार्ड डिस्क के बारे में। अब कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी 6999 की 4 TB वाली टोशिबा एडवांस वाली, और 2 TB, 1 TB अवेलेबल है। 2 TB वाली अराउंड 4999 की, और 1 TB 3599 के करीब है। और अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सेम इसी टाइप की हार्ड डिस्क को 7999 में सेल कर रहा है 4 TB वाली। तो जो सेलर से मैंने परचेस की उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस की ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा जाते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।